हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और ये है हमारे यहाँ का लोकेशन। मैं अभी तक मायके में हूँ और शायद यहीं पर रहूँगी क्योंकि हम लोग कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं। और आप लोग जान सकते हैं कि क्या दिक्कत, मेरी बिटिया चिल्लाते आ रही है। मैं वीडियो बनाने आई, काफ़ी लेट हो गया क्योंकि बाबू जो था मेरी दीदी का लड़का, साहिल निषाद नाम से उसका चैनल है, और इसीलिए वो चला गया, तो इसीलिए अब लेट हो रहा है। नहीं तो वीडियो जब तक था तब तक हमने डाला। और अब आएगा मेरा डांसिंग वाला वीडियो दोस्तों। मेरा अगर डांस अच्छा लगता हो आप सभी को तो प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरा वीडियो कैसा लगता है। और मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ और बताऊँगी नहीं, बस इतना कहूँगी कि मैं मेंटली, शारीरिक और जो भी दुख होता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेंटली हसमेंट भी है, परेशान भी हूँ। पहले तो मैं वीडियो बना के डाल देती थी, अब नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मुझे पाबंदी लगाया गया है। मुझे ये कहा गया कि अगर मैं वैसा वीडियो डालती हूँ तो मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। पारिवारिक भी कोई भी विवाद होता है या कोई भी दिक्कत होता है, मैं वीडियो नहीं डाल सकती। मेरे साथ जो भी हादसे होते रहेंगे वो भी नहीं डाल सकती। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जितने लोग मेरे घर पर आए थे बर्थडे में, वो लोग जान रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या बवाले हुए थे, क्या दिक्कतें हुई थी। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर आए थे, सारे लोग कहीं ना कहीं जान रहे हैं कि क्या हुआ। और मैं झूठी वीडियो नहीं बनाती हूँ, वो सब देखने के बाद उन लोगों को मेरी बातों पर विश्वास हो गया होगा। और जो लोग नहीं मेरे घर पर आए हैं वो नहीं जान पाएंगे कि मैं झूठ वीडियो बनाती हूँ या सही वीडियो बनाती हूँ। उस माहौल से आप लोग समझ सकते हैं, बेवजह की मुझे सुनाया जाता है, मुझे कुछ ना कुछ कहा जाता है। कौन कहता है ये भी हम नहीं कह सकते। मुझे हक नहीं है क्योंकि मुझे ये कहा गया कि मेरा नाम लेकर क्या मेरे परिवार के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, नहीं तो वीडियो डिलीट हो जाएगा। वीडियो तो डिलीट होगा ही, चैनल भी डिलीट हो जाएगा। मुझे धमकी आने लगी है मेरे घर से ही, नाम नहीं ले सकते। लेकिन बहुत पब्लिक था, पब्लिक को मैं भरमा भी नहीं पाऊँगी और झूठ भी नहीं कहूँगी क्योंकि सच्चाई उन लोगों ने आँखों से देखा है। छोटे बड़े सारे यूट्यूबर आए थे, कुछ यही है, किसी ने वीडियो नहीं बनाया, कुछ लोग बनाए भी हैं, मेरा सम्मान रखा, वीडियो नहीं डाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं बार बार मायके क्यों आ जाती हूँ, मुझे शौक थोड़ी ना है। शादी एक बार बिटिया का हो जाता है तो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मैं भी समझती हूँ। और इसीलिए मैं फैसला की हूँ कि हम स्टूडियो अपना कहीं और खोलेंगे, मैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि वहाँ से काम भी नहीं हो पा रहा है और काफ़ी हम लोग परेशान भी हो रहे हैं। सॉन्ग हम लोग नेपाल में इतना ज़्यादा सॉन्ग शूट किए हैं, 2-3 गाना शूट हुआ लेकिन एक भी सॉन्ग नहीं आया क्योंकि ये बवाली होते रहे तो हम लोग कहाँ से क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों। वीडियो आएगा, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो सॉन्ग शूट हुआ है, आएगा, देखिए कब आता है। और कम्युनिटी इसमें हमारे चैनल से लगेगा दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सॉन्ग कैसा, हम लोग कैसे गाते हैं, कैसे नहीं, लेकिन एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि जो भी हमारे बीच है, जो भी कुछ है, आप लोग कमेंट करिएगा कि सब सही हो जाए। भगवान से दुआ करिए सब ठीक हो जाए। हमने कभी लाइफ में इतना नहीं टूटी और ना इतना कभी परेशान हुई। आज जितनी परेशान हूँ लाइफ में कभी नहीं परेशान थी। जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे समझ के भी नहीं समझ पाते हैं। शायद वीडियो भी वो इंसान देख रही हूँ या ना देख रहे हो, कुछ लोग मुझे समझ के भी, जान के भी मुझे नहीं समझ पाते, मुझे गलत समझ जाते हैं। मेरी एक मैं मुझे लांछन बहुत तगड़ा लगता है, मैंने बचपन से आज तक पढ़ती आया है और वही काम अब भी हो रहा है। मुझे लगा कि वो लांछन लगना बंद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो गलती करती ही नहीं हूँ, उस गलती का सजा मुझे मिलता है। गलती कोई और करे, इल्ज़ाम मुझ पर लगता है, ये मेरी ज़िंदगी दोस्तों। आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, किसी की बुराई भलाई कुछ नहीं कहेंगे, बस यही मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ, मेरी तकदीर ख़राब है, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा ही होता है। बचपन से आज तक उल्टा ही होता रहा, किसी को अपना समझ के अपना दुख बताइए तो वो आज हमें ताना के तौर पे पलटवार करते हैं। तो नवरात्रि भी ख़त्म हुआ, नवरात्रि का हमने अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाया, लेकिन पहले का वीडियो हमने बना रखा तो वही सब डालती गई क्योंकि टेंशन इतना था, वीडियो बनाने का हिम्मत ही नहीं था। लेकिन माता रानी की कृपा से पहले से ऑलरेडी वीडियो था, अब मैं वीडियो खुद से बनाना चालू की हूँ।
अब मेरा डांसिंग वीडियो आएगा, कहीं पार्टी साठी कुछ भी नहीं है, जहाँ भी घूमने उमने जाएंगे आप सभी को दिखाते रहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगता है, कैसा नहीं। सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि एकदम अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी बच्ची के अलावा मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ना ही कोई एक रुपया देने वाला है। इसलिए मैं मेहनत खुद से कर रही हूँ और मुझे आप सभी का ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। जो भी वीडियो आएगा लेट सवेर आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।